लुंगीराम गांव डिमासो जिले असम राज्य में मेरे गांव के आसपास हरा भरा जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जन्म होने के कारण मुझे प्राकृतिक से प्यार है। उड़ते हुए चिड़िया को देखना, ऊंचे हरा पेड़ को देखना, जंगली जानवर को देखने में बहुत मजा लगता है। और बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और घर के किनारे दोस्तों के साथ बहुत मजा करके क्रिकेट खेलता था। ऐसे ही मेरा बचपन गुजरने लगा। एक दिन जंडिस और टाइफाइड से मैं बीमार हो गया। करीबन एक डेढ़ महीना बिस्तर पे पड़ा रह गया। समय में उपचार नहीं हो पाया गरीबी के कारण। फिर घर में मेरा उपचार होने लगा। दिन ब दिन शरीर कमजोर होते जा रहा था। घर वाले ने इधर उधर करके पैसा का इंतजाम कर लिया था और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ से मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन मेरा आँख धुंधलाई से दिखाई दे रहा था। आगे मेरा आँख का उपचार करने के लिए पैसा नहीं रहा। एक सुबह जब मैं नींद से जाग उठा तो मैंने आँख खोली तो मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब से मुझे लगने लगा कि मैंने सदा के लिए अपना दृष्टि खो दिया है। घर में ऐसे रहने लगा, सिर्फ चारों ओर अंधेरा, भविष्य भी अंधेरा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और ऐसे मेरा दिन महीना साल गुजरने लगे। और घर में एक गिटार पड़ा हुआ था, उसी गिटार को मैंने उठाया और बजाने की कोशिश की और वो बजने लगा तो मुझे बहुत खुश लगा। मैं खुश हो गया था कि अरे ये बज गया है। तो वही दिन से मुझे धीरे धीरे म्यूजिक में इंटरेस्ट लगने लगा। एक दिन चर्च में एक वक्ता वचन बांट रहे थे अयुक के बारे में, जहाँ अयुक ने इतना चीज खो के भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा और मैंने भी अपना खुद से अपना मन में वादा किया, मैं भी ऐसे विश्वास में आगे बढ़ूंगा और मैं आज से परमेश्वर का सेवा करूंगा बोल के। तो मैंने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया, अपना बाइबल की गानों से, म्यूजिक से, चर्च में, कॉन्फ्रेंस में। जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं है। जो चाहता है वो कर सकते है, चाहे गुंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अपने पास जो है वही हिसाब से आप परमेश्वर की सेवा कर सकती है। और परमेश्वर का वचन ने मुझे आज तक ज्योति बन के मेरा राह दिखा के मुझे रक्षा करके यहाँ तक लाया। तो आपको भी परमेश्वर रक्षा करेगी और उनकी वचन से आपको भी राह दिखाएगी।